दिस इज द प्लेस वेयर वी ड्रिंक कोकोनट फूड स्टॉल फ्रूट्स आज मैं इजी चिकन रोस्ट बना रही हूँ। वेजिटेबल बनते बनते चिकन भी कुक हो गया है। आई एम शेयरिंग अ वेरी अमेजिंग हैंड मास फॉर ऑटम सीजन। ये मेरा हेलो मयाम, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, से हाय। मणिपुर द नेट फांगबगी हराव बाओइना एकोय हजे कोकोनट वाटर थक ना बचत ली बने जी लंबी से को हम लोग पहुंचने वाला है वहाँ पे ना कोकोनट स्टॉल में, लेकिन कोकोनट पीने के लिए जगह में ना बहुत क्राउड है अभी, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो थोड़ा कम होने का बाद ना उसके बाद हम दोनों जाके पिएगा। हाँ इवन से समथिंग हाँ टुमारो इस बेटी का कनाडा एग्जाम है कल। It's oral exam, it's not, we're not writing, we're going to write in volume 3, that's why. Haan, thoda sa nervous hai, but you are prepared, right? Yeah, I already prepared. Haan, and last time, hum log ne Canada challenge kiya tha, us video mein hum log ka bahut acha response mila hai, aur bahut, aap sab ne bhi, bahut log ne bhi subscribe kiya, so we are so happy. After, kisi ne bhi, mujhe personal message bhi kiya hai, aur... फिर दोबारा चैलेंज करने के लिए, तो हम लोग ज़रूर करेगा, लेकिन बेटे का एग्ज़ाम होने का बाद। हाँ दिस इज़ द प्लेस वेयर वी ड्रिंक कोकोनट फूड स्टॉल फ्रूट्स आ गया है यहाँ पे, फ्रूट का सलाद कॉर्न कोकोनट जूस वेरी फ्रेश। ओपन द गेट ओके लेट्स गो इनसाइड। हम लोग वापस आ गया है, ज़्यादा क्राउड आना शुरू हो गया ना वहाँ पे, सो हम लोग अभी घर आ गए हैं। लास्ट नाइट वाज नाइस, लास्ट नाइट गणेशा का फेस्टिवल था यहाँ पे। हाँ रुको रुको, गणेश चतुर्थी। हाँ सो यहाँ पे ना मेन रोड में people were dancing and they were celebrating, so हम लोग ने भी जाके थोड़ा डांस किया। बाप रे बाप, यहाँ साउथ में ना सबसे क्या बोलते हैं, happiest moment for me is to watch them dancing and literally you know by listening to the music everyone will start just automatically whether you know how to dance or not everyone will start dancing. So kal not only dance but I like the beat. Yeah and the beat is so hum dono ne dance kiya, husband ko bola jaldi aake ye video lene ke liye, lekin wo thoda slow tha na to pahunchne ka pehle क्राउड ज़्यादा आ गया, सो हम दोनों का डांस तो कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरा का डांस थोड़ा सा कैप्चर हुआ है, सो आई विल बी प्लेइंग दैट वीडियो फॉर यू ऑल, एंजॉय। That was a glimpse of festival dance captured. Hope you all enjoyed. आज मैं इजी चिकन रोस्ट बना रही हूँ, सो सांबार ऑनियंस, थोड़ा सा शिमला मिर्च,
और चिकन, टोमेटो, कैरेट ये सब लिया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मसाला, थोड़ा सा इलायची, कोरिएंडर सीड एंड जीरा। चिकन को अच्छा से मैरिनेट करने के लिए मसाला डाल रही हूँ, द मसाला डेट आई ग्राइंडेड मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद सेम मसाला है, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और एक नींबू स्क्वीज़ किया है मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला एंड चिकन पाउडर, सॉरी चिकन मसाला। सो ये सब डाल के ना अच्छा से मैरिनेट करके 15 मिनट तक रख दिया है। 15 मिनट तक वेट कर चुका है, तो अभी चिकन को स्टीम करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बनाना लीफ है तो यू कैन यूज़ बनाना लीफ, लेकिन मेरा पास आज नहीं है तो आई जस्ट टुक 4-5 लीव्स ऑफ बॉक चोई। टॉप ऑफ दैट मैं मैरिनेटेड वाला चिकन जो है ना वो रख दिया है, और इसको 20 मिनट तक हाई फ्लेम में स्टीम करना है। While waiting for the chicken to be cooked, मैं थोड़ा सा वेजिटेबल यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा तेल डालना है और उसके स्लोली इन मीडियम फ्लेम वी विल स्टार्ट फ्राइंग द वेजिटेबल्स। सो हियर लहसुन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसको खुशबू जो है ना बहुत अच्छा खुशबू देता है लहसुन को फ्राई करने से। और सांभर ऑनियन जो लिया था उसको भी मिला के मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा अदरक। और जस्ट टू गिव अनदर लेवल ऑफ फ्लेवर मैंने यहाँ पे करी लीव्स भी मैं डाल रही हूँ। उसको बाद में ना तेल में उसको करी लीव्स का जो लिक्विड आता है ना फ्राई करने के बाद, वो उस लिक्विड को ना उस तेल को इस सब्जी में मिक्स करके धीरे धीरे कुक करने के लिए रखना पड़ेगा। सो हियर गार्लिक, जिंजर एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी फ्राइड, सो आई हैव उसको अलग कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल को मैं तावा में ग्रिल कर रही हूँ। मैंने जस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ा एक चम्मच का बटर डाल रही हूँ यहाँ पे। सो इट गिव्स अ वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर। सो यहाँ पे वो वेजिटेबल बनते बनते चिकन भी कुक हो गया है, तो मैं उसको निकाल के अभी थोड़ा सा हल्का सा मैंने जो गार्लिक फ्राई जो किया है ना, गार्लिक फ्राई और अनियन फ्राई, उसको थोड़ा सा मैंने पीस के भी रख दिया है। सो नाउ आई एम फ्राइंग द मसाला टू मिक्स द चिकन। अभी चिकन तो पक गया है, लेकिन मसाला को अंदर जाने के लिए धीरे धीरे थोड़ा लाइक 5 मिनट्स तक हिलाते रहना है। और यहाँ सब्जी भी पक गया है, सो आई एम एडिंग द चिकन। चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है खाने के लिए। मैंने टेस्ट भी किया, बहुत टेस्टी बनना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो आई एम फाइनली स्प्रिंकलिंग लिटिल बिट ऑफ ऑरिगानो एंड स्क्वीजिंग हाफ लेमन, इट्स डन। चिकन के साथ पीने के लिए पोमेग्रेनेट जूस रेडी करके रख दिया है, मैं भी फिल्टर कर रही हूँ। वीडियो को ख़त्म होने का पहले आई एम शेयरिंग अ वेरी अमेजिंग हैंड मास्क फॉर ऑटम सीजन। ये मेरा सबसे फेवरेट हैंड मास्क है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ
पोमोग्रेनेट जूस साइड करके यहाँ पे 2 tablespoon ऑफ शुगर एंड 1 tablespoon ऑफ कॉफ़ी मिला रही हूँ। इस तीनों इंग्रेडिएंट्स मिला के ना अच्छा से आप हाथ में लगा लीजिएगा। द बेनिफिट्स ऑफ दिस इज़ टू एक्सफोलिएट द डेड स्किन ऑन योर हैंड और द ड्राई स्किन ऑन योर हैंड। और लगाने का बाद ना अच्छा से रिंस करके यू कैन अप्लाई एनी बॉडी लोशन और एनी हैंड क्रीम। इट गिव्स अ वेरी स्मूथ टेक्स्चर एंड योर हैंड लुक्स यंगर। उम्मीद है कि आप सब मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।